आज तो गर्मी ने भाई जान ही ले ली सभी की, मेरी बस नहीं सभी की जान ले ली। फर्क तो सिर्फ हमारी सोच का है, क्योंकि कठिनाइयां हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए आती हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूं बढ़िया होंगे। मैं लिटिल खान स्वागत करता हूं आपका लिटिल खान एल के ब्लॉग में एक सुहानी सुबह में ताजगी भरे दिन के साथ। तो और भाइयों क्या हालचाल, सब बढ़िया? उठ चुके हैं, अभी बज रहा है 8, दुकान चलने का हो गया है टाइम, तो चलते हैं दुकान। लड़के लोग भी फ़ोन लगा रहे हैं, लोग भी आ चुके हैं कि दुकान हम लोग आ चुके हैं, आप भी आ जाओ। तो चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं तन मन धन के साथ, गुड फीलिंग के साथ। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बने रहो लिटिल खान एल के ब्लॉग में, क्योंकि एक ही तो लाइफ है, एंजॉय करो यार। तो चलिए चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं और काम करते हैं। आज तो भाई बिल्कुल सहन नहीं हो रही है गर्मी, क्योंकि लाइट नहीं है। सुबह छः बजे से लाइट चली गई है, करंट चला गया है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। अभी बज रहे हैं 10:15, आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। क्या ही बताऊं भाई, इतनी गर्मी लग रही थी कि भूख तक नहीं लग रही थी, फिर जैसे लाइट आई तो मैंने बोला भाई चलो नाश्ता करके आते, कम से कम थोड़ी राहत मिलेगी। तो चलते हैं नाश्ता करते हैं, फिर दुकान चलते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई कसम से यार, वो भी नहीं है तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। अभी बज रहे हैं 2, नहाने के लिए आए हुए थे, भैया चले गए हैं दुकान, बस स्टैंड में कहीं खाना वगैरह है शायद, तो वहाँ चलना पड़ेगा, दावत है क्योंकि, तो नहा लेते हैं फिर चलते हैं। भाई पता नहीं खाएंगे कैसे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, हालत ख़राब। नहाने के बाद भी भाई चैन नहीं है, देखो अब भी नहा के आया और पसीने भरा शरीर हो गया, मतलब हद है भाई। अभी चलते हैं बस स्टैंड में, लंगर है, मुहर्रम की तारीख चल रही है तो स्टैंड में लंगर है, तो वहाँ चलते हैं और खा के आते हैं और फिर दुकान भी चलना है अपन को चाय लेके। काफ़ी लोग आए हैं भाई, मैंने तो गाड़ी अपनी उधर लगा दी साय में। अभी चलते हैं अपन, खाते हैं। आज तो बहुत गजब नींद आई भाई, 2 बजे से सोया 4 बजे तक भाई साहब, टाइम देखो 4:16 हो रहा है, 2 बजे सो गया था और अभी उठ रहा हूँ, मुँह हाथ धोया, चलते हैं। मम्मी चाय बनाती हैं, दुकान से भी फ़ोन आया कि भैया को कहीं जाना है, तो चलते हैं दुकान में बैठते हैं और चाय पीते हैं भाई, और जो सुस्ती भरी हुई ना, नींद भरी हुई है उसको दूर करते हैं। लाइट का रोना है भाई आज बहुत ज़्यादा, लोहा काटने वाले आए थे, लाइट थी नहीं तो वो आधा लोहा काटे और भाग गए भाई, कि भाई लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। सुबह टाइम तो इतनी धीमी थी लाइट कि पंखे भी बड़ी मुश्किल से घूम रहे थे, पंखे भी कह रहे थे कि यार हमको ज़बरदस्ती ना घुमाओ नहीं तो हम ब्लास्ट हो जाएंगे और तुमको हवा भी नहीं दे पाएंगे, बनवाना पड़ेगा फालतू में ही। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं दुकान बंद करके घर, सभी लोग बैठे हुए हैं, अरविंद भाई हमारे वो जा रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, भागते हुए जा रहे हैं आज, फिर लगता है उनका अकेले कुछ प्लान है। चलते हैं अपन घर, कुछ खाने का होता है तो घूमने भी चलते हैं भाई, खाने भी चलते हैं। काम के चक्कर में यार बार बार घूमना पड़ता है, अभी दुकान में ये सामान नहीं रख गया था, काम के लिए गया हुआ था, काम लगा सरकारी, तो ठेले वगैरह ले गए थे अपने दीपचंद भाई, भैया ने बोला था, तो अभी दुकान बंद करके हम चले गए थे घर, और जब मुँह हाथ धुल रहे थे निकलने वाले थे बस स्टैंड के लिए लोगों के साथ, तो फ़ोन आया इनका कि अभी सामान नहीं रख गया है, तो भाई सामान रखवाते हैं और चलते हैं भाई। टाइम ज़्यादा हो गया है तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग खा पाएंगे कुछ, साहिल को बैलेंस डलवाना है तो बैलेंस पर डलवा के आ जाएंगे मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि टाइमिंग जो हो रही है 7 बज रहा है और हम लोगों का टाइम खेलने का जो है वो होने वाला है, तो भाई लग नहीं पा रहा है कि हम लोग कुछ खा पाएंगे, पैसे दे के और आ जाएंगे भाई बैलेंस के। हो गए भाई फुर्सत खेल के, आ चुके हैं छत में, मशीन चालू कर ली है, टंकी भर रहे हैं, अभी मशीन चालू की तो भाई नीचे से सड़क खुल गई थी, फिर बाजी ने आवाज़ मारी तो दौड़ते हुए गया मैं जल्दी, और फिर मशीन बाजी ने बंद की तो मैंने वहाँ पर रबड़ बांधी, तो अभी फिर से चालू कर ली है, टंकी भर रहे हैं। आज तो गर्मी ने भाई जान ही ले ली सभी की, मेरी बस नहीं सभी की जान ले ली, जितने काम भी कर रहे थे ना वो भी परेशान थे कि भाई काम करने के बाद थोड़ा तो बैठ लेते पंखे की हवा में, पर वो भी भाई
पंखे की हवा मतलब लगी नहीं रही थी, इतनी स्लो लाइट थी, इतनी धीमी लाइट थी, भाई क्या ही बताएं, हालत सबकी ख़राब हो गई थी। फिर कहीं जाके शाम टाइम अच्छी लाइट आई तो सबको हवा मिली भाई। फिर शाम टाइम ऊपर से भी जो हवाएं चल रही थी वो भी ठंडी चलने लगी थी। तो भाई साहब अभी चलते हैं, टंकी भरते हैं और ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे कल नए फ्रेश तरोताज़ा वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि। बने रहिए ऐसे ही लिटिल खानल के ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए और बेहतर कॉन्टेंट आ सके और आपका मनोरंजन हो सके। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।